और वहीं हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के दौरान एक बेहद मनोरम दृश्य सामने आया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के लिए मुस्लिम समाज के लोग महीनों पहले से तैयारी करने लगते हैं। मुस्लिम समाज के द्वारा बनाई गई कांवड़ को ही लेकर कांवड़िए गंगा जल भरते हैं और बम भोले के जयघोष के साथ रवाना होते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहाँ पर कांवड़ तैयार की जा रही है और काफ़ी महीने पहले से ही यहाँ पर कांवड़ तैयार करने का काम शुरू हो जाता है। और ये जो लोग कांवड़ तैयार कर रहे हैं ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि कांवड़ यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, और इन्हीं कांवड़ियों को लेकर तमाम जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल भरने के लिए रवाना होते हैं। आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आमिर खान। आमिर खान, ये काम आप कर रहे हो, कांवड़ कब से बना रहे हो, क्या संदेश है? ये मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो, और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है, और ये हमारा रोजगार है, और थोड़ी इसमें हमें पर्सनैलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। अरे भोलेनाथ जी हमारे भोले आते हैं सारे बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से, अम्बाला से, सारे भोले भाईचारा है। ये जो हम काम करते हैं भाईचारा के संदेश से करते हैं, हमें इस काम को 30 साल हो गए करते हुए सर। और ये जो हम काम करते हैं रमज़ान में शुरू करते हैं, जब हमारे रमज़ान चलते हैं रमज़ान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोज़ा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी की कावड़ी बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कावड़ अंदर रहती है, ये आप खुद देख रहे हो। ढांचे बाहर रखते हैं, कावड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किसी वजह से ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुंचे।